दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैंने कुछ वीडियो लेके आया हूँ अभी और आपके लिए। जैसे मान लो कि इलास्टिक मशीन है, उसका एक वीडियो लेके आया हूँ बढ़िया, और उसको देखिए आप। हमने काफ़ी उसको बनाने की कोशिश किया और मेन बात था कि अगर कोई फैक्ट्री में हम विजिट करते हैं और वो मशीन रिपेयरिंग करना है, हमें पता ही नहीं होता मशीन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, और उससे पहले दो चार मैकेनिक और वहाँ से रिपेयरिंग करके जा चुके हैं, नहीं हो पाई है, और हमें अगर बड़े आज से लोग बुलाते हैं तो एक बात इसका ध्यान रखें कि हमको बुलाने से पहले कि उसकी सही डिसीजन बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स है और क्यों हो रही है। उससे क्या होता है कि हम उसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे लूपर हो गया है, नीडल्स हो गए, उसके बाद फीडबैक हो गया है, नीडल प्लेट हो गई, ये कुछ रेगुलर आइटम होते हैं, मॉडल के हिसाब से हम लेके आ सकते हैं। उससे क्या रहेगा कि हमारा जाना व्यर्थ नहीं होगा और आपका भी हमको टाइम देना, हमारे प्रोसेस से बुलाना वो गलत। हम कोशिश करते हैं, हम बहुत बड़े एक्सपर्ट तो नहीं हैं। एक इलास्टिक मशीन बनाई है और दो मशीन बनाई हैं। एक कंपनी था, वहाँ मैनेजमेंट सही नहीं था टेक्निकल डिपार्टमेंट का, तो हम जब गए वहाँ पे तो ऑलरेडी मालूम पड़ा कि चार मैकेनिक वहाँ बना के जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इनके लूपर के पॉइंट गए हुए हैं। इलास्टिक कंसाई की थी, मैं वीडियो डालूँगा, देखेंगे मॉडल डिटेल्स होकर उसमें। मशीन अच्छी है, 6 महीना पहले लिया हुआ है, लेकिन हमने जिससे परचेस किया उससे सपोर्ट क्यों नहीं लिया वो तो भगवान जाने, या फिर वो नहीं दे रहा है, वो तो लेने सप्लायर से और उनके बीच का मामला है। लेकिन टेक्निकली सपोर्ट मिलना चाहिए और हमने कोशिश किया अच्छी करने की, हमने चलाया भी, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं थे क्योंकि उसमें लूपर के नोक पूरी तरह से ख़राब थे। जैसा ऐसा एक लूपर होता है, उसका एक नोक होता है, ये पोजीशन अगर अगस जाए तो ये पहले टकराता है, यहाँ से क्या हमेशा आप जब फाइन स्टिचिंग में आप जाएंगे, सुई आप पतली लगाएंगे 14 नंबर 11 नंबर, अब वेस्ट बैंड मारना है तो यहाँ पे आपको लुक पर बिल्कुल एक्यूरेट मिलना चाहिए। स्पाइडर कहीं भी एक पल के लिए भी धागा लटकना नहीं चाहिए, कहीं भी चुकना नहीं चाहिए। इससे क्या रहता है कि फिनिशिंग और क्वालिटी कंटिन्यू आप परफॉर्मेंस ले सकते हो अच्छी, अगर आप हमेशा इन बातों पर, अगर लूपर आपका नया है और बेहतरीन जैसे हमने सेट किया है वो बताने की कोशिश किया हमने और हमने बनाया, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं थे। तो एक मैंने एक जानकारी के लिए इसलिए डाला हूँ कि हम भी, हमारा भी मेहनत वेस्ट जाता है, बेकार जाता है, हम दिन भर मेहनत किए हैं और दूर जाके काम करना हम बंद कर दिए अभी हमने, जितना ज़्यादा हम दुकान में, क्योंकि इसीलिए दुकान में मशीन आने से हम क्या होता है कि उसको जो लग रहा है जुगाड़ करने से अच्छा है कि हम उसमें वो चीज़ लगा सकते हैं। लेकिन हमने आज तक भी जो भी मशीन आई है इस रिलेटेड, इलास्टिक हो गया, बटन हो गया, काज बटन हो गया, सिंगल निडल, ओवरलॉक, फ्लट लॉक्स, बल्टेक है, हाईलाइट हो गया, तो जितने भी अभी तक मेरे पास आई है मैंने सभी मशीनें बनाई हैं। ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसको, हाँ इलेक्ट्रॉनिक में हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेट की वजह से मेरा काम ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का मेरा काम नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेट अरेंज करके, जैसे कि हम मान लो कि एक मशीन का अभी हमने बुलाया है बहुत पुराना मॉडल से, नए प्लेट से, तो ये एजैक का 9100P उसका प्लेट है। इस टाइप का आपको ऐसी प्लेट चाहिए किसी को बोलिए, हम हमारे पास में मिल जाएगा, हमने अभी इनका अरेंजमेंट कर लिया है। जैसे कोई भी प्लेट हो, जिस भी मशीन का प्लेट हो, अगर वो ब्रांडेड है, जैसे जैक है, ब्रूस है, जोजे है, हैं और भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, इनमें अगर चाहिए किसी को बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो हमको संपर्क कर सकते हैं, हम उनके लिए बोर्ड अरेंज करने की कोशिश करेंगे कि उनको। दोस्तों ये हमने मशीन सर्विसिंग की है और इसका रिजल्ट तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि इसमें जीरो एरर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट क्वालिटी जो होता है, अगर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वहाँ पे आपको छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, यानी ये टांके आना ही मेन नहीं होता है, कि टांके कैसे आ रहे हैं, होल्स कैसे, टांके कपड़े में होल्स कैसे बन रहे हैं, हर चीज़ फिनिशिंग का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके वो बने पास होता है। तो हमने इन सब बातों को ध्यान में रखते, प्रॉपर नीडल्स कौन सी लगती है उसको हमने इंस्टॉलेशन करके और फिर हमने दिया, क्योंकि कुछ टेक्नीशियनों ने, ये 4-5 टेक्नीशियन यहाँ पर आ चुके थे, उनका जो फिनिशिंग था वो डेवलप नहीं हो पा रहा था, तो हमने करके दिया। लेकिन हमको एक परेशानी हो गई इसमें, जैसे चल रही है मशीन इतना अच्छी, हमने कोशिश किया है यहाँ तक के, पर इसके हम मैं खुद नहीं बोल पाऊँगा कि अच्छा है, बाकी हो सकता है लोगों के लिए अच्छा हो, इसमें लूपर इसके ख़राब थे, और दूसरी बात है इनके लूपर पूरे खुले हुए, सिर्फ 4 है, 11 लूपर का गेयर सेट लगा है, सिर्फ 4 लूपर, और वो भी 2 mm के आसपास के लूपर है ये वाले पतले वाले, क्योंकि 1/8 का गेयर सेट है। तो ये मशीन इलास्टिक मशीन है, हमने इसमें काम किया है अच्छा, और लूपर ना होने की वजह से हमने जितना अच्छा पूरा ओल्ड लूपर में ही हमने कोशिश की, क्योंकि नोक चले जाने से टक छोड़ने का, धागा तोड़ने का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि सेटिंग ओवर करनी पड़ती है, फिर भी हमने फिनिशिंग लाया है, ये देख सकते हैं आप, ये फिनिशिंग हमने इसमें डेवलप करके दिया है, लेकिन फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं थे जितना अच्छा होना चाहिए, तो फिर भी उनको लगा कि ठीक है तो अच्छी बात।
दोस्तों इसमें मैंने यहाँ पे ऐसी दो कंसाई बना रहा है, ऐसी छः मशीनें इनके पास में ऐसी, लेकिन दो मशीनें जिनकी कोशिश कर रहा है तो उनके पुराने पार्ट से उनको ठीक कर, क्योंकि पार्ट इनके पास अवेलेबल नहीं था और मैं नज़दीक नहीं था मेरे दुकान से काफ़ी। अब तक कितने दिन से स्टिचिंग फिनिशिंग पलटा अभी हमने सेट किया है, अभी ट्रायल पहले अभी कवर और बनानी है, ये है रखा हुआ है, ट्रायल चालू है, बहुत सारा पीस है बनाना है, तो चलिए मिलते हैं। काफ़ी लोग ने ट्राई किया है, कंसाई का बॉटम हैंगिंग है साइड के जॉइंट के साथ, साउंड तो बहुत प्यारा हो गया, अभी मशीन पैक होने की भी है। ये इसके चक्कर में साले यहाँ बहुत मोटा हो जाता है ना। दोस्तों फिनिशिंग तो काफ़ी अच्छी आ गई है, कंटिन्यू ऐसी रहे हम चाहते हैं, चलिए और देखें। दोस्तों इसमें एक ये प्रॉब्लम्स है जिस वजह से इसमें देखो ये अगर ये चाल रही ना ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, टाँके छोड़ेंगे तो हल्के यानी थोड़े से भी कराए, इसे नहीं कि बहुत हार्ड हो, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा इसके ये कवर खोल के इसको ओके कर रहे हैं। दोस्तों ये इसमें क्या हुआ है कि सिर्फ चार लूपर लगे हैं, चार रिटनर लगे हैं, बाकी सब नट लूपर सब गायब हैं, और वही लूपर से हमको सेट करना है। दूसरा इसमें लूपर अड्डा भी बहुत खुले था, अब इतने सारे मैकेनिक बनाने के बाद में अगर ऐसा है तो मैं तो अजीब मानता हूँ। चलो देख। दोस्तों हमने अभी इसमें क्या किया है कि ये जो लूपर अड्डा है उसको हमने प्रॉपरली अपने हिसाब से इसको टाइट कर दिया, क्योंकि वहाँ पर गैप था बूस्ट बूस्टर जो सेट करते होल्डर को बैलेंस करके रखता है उसका, इसमें गैप था, हमने उसको हल्का सा खोल कर टाइट कर दिया। इतना सा काम था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, वहाँ से आगे पीछे भी कर सकते हो नीचे पर जो टाइमिंग के हिसाब से, तो ये हमने अभी इसमें सेट कर दिया है। अब ये यहाँ से प्ले तो कम हो गया है, दूसरा लूपर के नोक तो पूरे ख़राब है सर। अगर आपको मैं जूम प्रॉब्लम, मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ इसलिए मैं प्रॉपर नहीं दिखा पाता, बाकी क्या बताऊँ मैं अभी। ये है कंसाई इसके साथ, देखिए ये जो यहाँ पे प्ले था ये मैंने ख़त्म कर दिया है, ये देखो। दोस्तों इसमें एक और प्रॉब्लम थी कि इसके लूपर और ये तो एक्स्ट्रा जो लगे रहते वो भी गायब तो थे ही, इसको भी दूसरा इसमें निडल भी गलत लगा के चला रहे थे, जो नहीं लगाना चाहिए वो निडल लगा रहे हैं, उसका हाइट वो जो वेस्ट बैंड है वो हाइट होने की वजह से उसमें टकरा रहा था निडल बार में, तो टाके और भी छोटा, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम थी और अपने अपने तरफ के टेक्नीशियन है उस वजह से और हालत ख़राब हो गई थी। काफ़ी लोग ने ट्राई किया है, कंसाई का बॉटम हैंगिंग है साइड के जॉइंट के साथ, साउंड तो बहुत प्यारा हो गया, अभी मशीन